नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेट हसल। दोस्तों, भारतीय टीम के नियमित कप्तान विराट कोहली ने लिया T20 से संन्यास। तो क्या कुछ है पूरी खबर की जानकारी और कौन सा खिलाड़ी होगा भारत का अगला कप्तान, जानने के लिए देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने आज अपना अंतिम मुकाबला खेला। यह मुकाबला नामीबिया के खिलाफ खेला गया। इससे पहले भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप में 4 मुकाबले खेल चुकी है, जिसमें 2 मुकाबलों में भारतीय टीम को हार मिली तो 2 मुकाबलों में भारतीय टीम को जीत मिली। और 2 मुकाबलों में हार मिलने के कारण ही भारतीय टीम वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से बाहर हुई है। यह मुकाबला आज औपचारिकता मात्र खेला गया। इस मुकाबले के बाद भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने भी T20 से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। दरअसल दोस्तों, हम आपको बता दें, इससे पहले यानी कि T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत से पहले भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने इस बात की पुष्टि की थी कि वह T20 वर्ल्ड कप के बाद भारत की कप्तानी छोड़ देंगे। इससे पहले भी वह IPL में अपनी फ्रेंचाइज रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। यानी कि भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली अब रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की कप्तानी करते हुए नजर नहीं आएंगे। और ऐसे में अब सबसे बड़ा यह सवाल है कि भारतीय टीम की अगली सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली है। इस सीरीज की शुरुआत 17 नवंबर से होने वाली है। आखिरकार भारत का नया कप्तान कौन बनेगा? तो कुछ हद तक खुलासा हुआ है कि भारतीय टीम का अगला कप्तान KL राहुल, ऋषभ पंत या फिर रोहित शर्मा में से किसी एक बड़े खिलाड़ी को बनाया जा सकता है। हालांकि इसके बाद साल 2022 में फिर से T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा। तब कयास लगाए जा रहे हैं कि तब तक भारतीय टीम की पूरी कप्तानी की जिम्मेदारी रोहित शर्मा के कंधों पर दे दी जाएगी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है भारत का अगला कप्तान किसे घोषित किया जाना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर देगा। और दोस्तों, इसी तरह की क्रिकेट और IPL से जुड़ी सभी खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, वीडियो फिलहाल इतनी ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।